नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्टेक पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारा रिव्यू वीडियो है जो हमने माइक्रोटेक का 19S सेक्टर एंटीना लगाया था, उसके आज परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ये डिवाइस मैंने लगभग 4 महीने पहले परचेज किया था, तो उसी डिवाइस के बारे में आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसा लिंक बन रहा है आपका और कैसा क्या चल रहा है। तो हमने बिन बॉक्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो सेक्टर एंटीना है 19S, ये है इसका मॉडल नंबर RB921GS 5H PA ACD, यानी कि ये हमारी AC डिवाइस है 19DBI की। ये अगर बिन बॉक्स की बात करते हैं, 5 दिन से ऑन है ये, 5 डेज। और तो इसको करते हैं कनेक्ट, तो हमने माइक आईडी पर क्लिक करके कर दिया कनेक्ट। अब आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा करते हैं, यहाँ पर आप देखिए तो वायरलेस में आइए। वायरलेस में जैसे आपको डिवाइस कितनी आपके कनेक्ट है इसको देखने के लिए रजिस्ट्रेशन में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 7 डिवाइसें हमारी कनेक्ट हैं, 7 आइटम, यानी 7 हमारी डिवाइसें कनेक्ट हैं, जिसमें यहाँ पर रेडियो नेम, माइक आईडी, अप टाइम और साथ में RX और TX सिग्नल, और यहाँ पर ट्रांसफ़र स्पीड और रिसीविंग स्पीड कितना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक करके सभी के बारे में बात करूंगा। हमारी ये जो डिवाइस है, ये मैक्सिमम हमारी डिस्क या SQ लगी है। ठीक है, तो मैं बताता जाऊंगा कौन सी डिवाइस है अभी। अब जैसे हमारी ये डिवाइस है 90 Mbps में कनेक्ट है, इसका जो सिग्नल है -73 और -82। अगर डबल क्लिक करें यहाँ पर आते हैं सिग्नल पर, तो सिग्नल में देखेंगे यहाँ पर तो CC की वो आपके देख लीजिए। और ये थ्रूपुट है, ये डिवाइस लगभग 4 किलोमीटर में हमारी है। ठीक है, और सेक्टर एंटीना से बहुत हट के है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस है। ये देखिए ये डिवाइस कितना डेटा इसने यूज किया है, कैसा क्या है। दूसरी डिवाइस की बात करें, ये हमारी डिस्क है, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17-18 GB डेटा, 10 GB, ये अलग अलग है जो भी है, यहाँ पर इतना डेटा यूज हो चुका है। ये हमारी सेक्टर एंटीना है, सॉरी डिस्क है, और ये लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत में लगा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ सिग्नल की बात करें तो आप सिग्नल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नल आप ये देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर थ्रूपुट देख सकते हैं, ये CC की वो आपका हो गया। ठीक दोस्तों, अब अगला चलते हैं। हमारी ये ST है भुजौली, यानी कि इस नाम से GP है। ये हमारे सेक्टर के विपरीत डिवाइस है, लगभग 7 किलोमीटर में, वहाँ का लिंक है, लगभग 10 Mbps का थ्रूपुट है। और यहाँ तो स्पीड कम आती है क्योंकि ये बहुत बाहर है अपने रेंज, जो 120 डिग्री के एंगल होता है उससे बहुत बाहर ये डिवाइस है, और 7 किलोमीटर की दूरी पर डिवाइस है। यहाँ पर शायद दिखाता है किलोमीटर, ये किलोमीटर सही नहीं होता, फिर भी ये 7 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी डिवाइस हमारे काम कर रही है, ये भी ग्राम पंचायत में लगी हुई है। लेकिन अगर मैं पर्सनल कहूँ तो क्योंकि ये रेंज के बाहर है फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, इसके लिए मैं माइक्रोटेक वालों का धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन डिवाइस इन्होंने बनाई। इसके बाद STA-64 ये देखेंगे, ये डिवाइस 6 किलोमीटर दूर पर है, और इसके अगर सिग्नल की बात करूं तो ये इसकी हाइट बहुत कम है। इसकी हाइट मान के चलिए कि 20 फुट की टोटल हाइट है, 10 फुट का तो एक बिल्डिंग होती ग्राम पंचायत की, 10 फुट का पाइप लगा हुआ है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सिग्नल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें ये डिवाइस भी हमारी जो है लगभग 8 किलोमीटर दूर पर है, 27 Mbps का थ्रूपुट दिखा रहा है। इसके बाद इसकी बात करें, ये डिवाइस लगभग 3 किलोमीटर में है, ये SQLite 5 है। यहाँ भी देखेंगे आप सिग्नल इस तरह है, सब देखिए। इसके बाद ये जो डिवाइस है, आप ये डिवाइस दरअसल लाइट बीम लगी हुई है जी हाँ दोस्तों, ये लाइट बीम लगी हुई है और जो लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है, और ये उसका जो 120 डिग्री का एंगल होता है उसके बाहर ही लगी हुई है, थोड़ा सा बाहर। ठीक है दोस्तों, सामने नहीं है, फिर भी इसका आप CCQ और ये सब लेवल देखिए सिग्नल का, और थ्रूपुट देखिए।
हालांकि अभी और डिवाइस हैं, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर पूरी डिवाइस, इसमें लगभग 14 या 15 डिवाइस टोटल कनेक्ट हैं, जिसमें करंट में इस समय 7 डिवाइस कनेक्टेड आ रही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो सेक्टर एंटीना ये 19S बहुत ही बेहतरीन एंटीना है, और मुझे अगर पर्सनल बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कई लोगों को, अपने दोस्तों को भी जो ISP का काम करते हैं, उनको भी सेम डिवाइस परचेज की है, वो भी तीन तीन चार चार डिवाइस लगा कर अपना 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के लिए पूरा कैप्चर किए हुए हैं। अभी और भी इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं, सेटिंग के बारे में भी कभी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, नमस्कार।